यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता है, कभी मीठा तो कभी खारा और कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी के धर्म के आगे, शक्ति के आगे, रूप के आगे कभी मत झुकना। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती, स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में, उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, मुश्किल है मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का। समय क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा, किस किस से बेहतर, तेरी मिसाल तू खुद है, बना ले खुद को खुद से बेहतर। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो, छोटा दिखने की शर्म ही लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं वो सब कभी ना कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा उसकी चिंता ना करो, ना ही उस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति एक ही सबक आपको दो बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। यदि आपको किसी से मतलब है तब तक आप किसी से जुड़े हैं तो ये एक सामान्य व्यक्ति की पहचान है, और यदि आप बिना मतलब के किसी से जुड़े हैं तो यह एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। बुरी परिस्थितियाँ जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उतनी ही ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को मिटा नहीं सकते। अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना। ऐसा ना हो कि बाद में ना तो आप खुद के हो पाए ना ही किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वो है जब आप अपने आप को नहीं समझते।